सैनिक अपनी जान बचाकर भारत आ गए। ये जानकारी असम राइफल्स के एक ऑफिसर ने दी। ऑफिसर ने बताया कि म्यांमार सेना के जवान, जिन्हें तातमादव भी कहा जाता है, वो शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उनके शिविरों पर अराकान सेना के कब्जे किए जाने के बाद भागकर लोंगतलाई जिले के तुईसेंगतलांग में असम राइफल्स के पास पहुंचे। आखिर म्यांमार के ये सैनिक भारत में क्यों आए, इसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाके में म्यांमार सेना और अराकान सेना के लड़ाकों के बीच भारी गोलाबारी हो रही थी। जब अराकान सेना ने म्यांमार सेना के शिविरों पर हमला कर दिया तो वो जान बचाने के लिए भारतीय सीमा में चले आए। असम राइफल्स के ऑफिसर ने जानकारी दी कि मिजोरम में शुक्रवार को आने वाले म्यांमार सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें असम राइफल्स ने प्राथमिक उपचार दिया। ये जवान म्यांमार सीमा के पास लोंगतलाई जिले के पर में असम राइफल्स की देखरेख में हैं। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये अराकान सेना है कौन? इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के मुताबिक अराकान आर्मी एक चरमपंथ संगठन है जिसके नेता विदेशों और खासकर चीन में हथियार चलाने, लोगों को अपने साथ मिलाने और प्लानिंग की ट्रेनिंग देते हैं। खुद म्यांमार के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जॉर्ज मिन तुंग के अनुसार साल 2019 में ये आतंकी चीन में बने हथियारों से लगातार म्यांमार आर्मी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ असम राइफल्स के ऑफिसर ने बताया कि म्यांमार के सैनिकों को कुछ दिनों में उनके देश वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि विदेश मंत्रालय और म्यांमार की सैन्य सरकार के बीच बातचीत चल रही है। वहीं इससे पहले भी नवंबर महीने में म्यांमार भारत सीमा पर उनके सैन्य शिविरों पर लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स द्वारा कब्जा किए जाने के बाद कुल 104 म्यांमार सैनिक मिजोरम भाग कर आए थे। उन्हें भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई मार्ग से मणिपुर के मोरेह ले जाया गया था, जहां से वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर म्यांमार के निकटतम सीमावर्ती शहर तमू में प्रवेश कर गए थे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।